गाइस बात करते हैं अमित बड़ाने के बारे में। क्या कल अमित बड़ाने की न्यू वीडियो आने वाली है? क्योंकि रिसेंटली अमित बड़ाने अपने इंस्टा पर एक स्टोरी पोस्ट करी जिसमें उन्होंने लिखा था कि 13 को सुबह 11 बजे सरप्राइज। देन नेक्स्ट स्टोरी में उन्होंने लिखा कॉमेडी वीडियो नहीं है, वो भी आएगी लेकिन पहले डैश अभी नहीं बताऊंगा, परसों बताऊंगा। वो जो लोग सोच रहे थे कि इनकी नेक्स्ट वीडियो कॉमेडी वीडियो होने वाली है तो ऐसा नहीं है, कुछ और ही आने वाला है। गाइस नेक्स्ट बात करते हैं बिग बॉस 17 के बारे में। तो गाइस अभिषेक की माँ ने लिटरली बोल दिया कि अभिषेक को एक नहीं बल्कि 4 थप्पड़ मारने चाहिए थे समर्थ की हरकतों पर। गाइज आपको अभिषेक और समर्थ के थप्पड़ वाली कंट्रोवर्सी के बारे में तो पता ही होगा। इसी चीज को लेकर अभिषेक की मदर की तरफ से रिएक्शन आ चुका है। उन्होंने सिद्धार्थ कन्नड़ के यूट्यूब चैनल पर एक इंटरव्यू में क्या कहा, आप उन्हीं से सुनिए। जब अभिषेक ने थप्पड़ मारा समर्थ को, सलमान और जितने लोगों से मैंने बात किया, दंगे की, उन्होंने कहा कि अभिषेक को 4 और 20 और चाटे मारने चाहिए। ईशा की मदर ने कहा कि लीगल एक्शन लेना चाहिए अभिषेक के खिलाफ। थप्पड़ नहीं था वो, नहीं था थप्पड़ नहीं था वो, एक्शन का रिएक्शन था। आपके मुंह में टिश्यू ठूस रही हूँ मैं, तो आप ऐसे हटाओगे ना, तो वही वाला था वो, थप्पड़ नहीं था। जनता सही बोल रही है कि एक नहीं 4 मारने चाहिए थे। आप भी सहमत है वो? हाँ, रिएक्शन का बिल्कुल सहमत हूँ मैं। आपको लगा और 4-5 और मारने और मारने चाहिए थे? 4-5 ही क्या, 10-15? इतनी गंदगी यार, ये क्या है? गाइज रिसेंटली सौरभ जोशी गए हुए थे दुबई एक यूट्यूब सबमिट में, जहां पर वर्ल्ड के काफी सारे क्रिएटर भी आए हुए थे और जहां पर भी मिले मिस्टर इंडियन हैकर और क्रेजी XYZ से, जिसके बाद उनका क्या रिएक्शन था? ये देखो भाई कौन आए हैं। भाई आए हैं फर्स्ट टाइम। हेलो गाइज, मिलने से पहले व्लॉग चालू है मेरा, चालू रहता है। मैं देख क्या पहन रखा है गाइज, तो आ गया ये फ्रेम बेस्ट है। तो ये जो है यहाँ के बहुत बड़े बिजनेस टाइकून हैं और ये जितनी बिल्डिंग्स देख रहे हैं भाई सारी, इनको अक्सर आपने ट्रेंडिंग में देखा होगा, तो कमेंट कर बताना कहाँ देखा है। आप सभी लोग जानते हैं, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, ये टांग खींच रहा है। कल से मिला है, कल से बहुत मस्ती कर रहा है। गाइज आपका इस पर क्या कहना है प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना, और सब्सक्राइब कीजिए इस यूट्यूब चैनल को इस तरह के अपडेट्स पाने के लिए, और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना।